हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागोरत्न। आज मैं ग्रामर की 10th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। टेंस दो प्रकार की होती है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस, और टाइम तीन प्रकार की होती है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। आज मैं इन तीनों में से हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहली सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है, जिसको इनडेफिनेट भी कहा जाता है। इसमें किस तरह की सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आ सकती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, रूटीन, प्रोवर्ब, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्लान द फ्यूचर एक्शंस, कमेंट्री। इस तरह की वाक्य इस सिंपल टेंस में होती हैं। उसकी रूल कहती है सिंगुलर नाउन के लिए जो वेस्ट फॉर्म होती है ई एस लगती है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, नेमिंग वाले वर्ड्स में वर्ब में एस और ईएस लग के सेंटेंस होती है, जैसे कि ही, सी, इट और नेमिंग वाले वर्ड में इट्स लिख इसकी बेस वर्ब में और इसे एस लिखा गया है कि सिंगुलर दर्शाती है कि ये सारी सिंगुलर प्रोनाउन है और ये वर्ब इसीलिए आई हुई है। और इसी में ही प्लूरल फॉर्म में जैसे आई, वी, यू, दे, इस तरह का प्रोनाउन जब सब्जेक्ट होती है तो इसकी वर्ब बेस फॉर्म पर प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसमें इसमें ईएस नहीं लगती है क्योंकि ये प्लूरल दर्शाती है। जब फॉर्म में एस व ईएस लगती है तो वो सिंगुलर हो जाती है, इसीलिए इस फॉर्म में कोई भी एस ईएस नहीं लगती है क्योंकि ये सारी प्लूरल प्रोनाउंस है जो कि नाउन नाउन की बदल में लगा गया है। और नहीं, मैं नाउन और प्रोनाउन तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, दिस नॉट कन्फ्यूज। सो अगेन आई एक सिंगुलर है बट प्लूरल की तरह स्ट्रीट होती है, इसमें सदैव बेस वर्ब लगती है, इसमें ईएस व ई व एस नहीं लगती है, इसलिए नॉट कन्फ्यूज। सो हम नेक्स्ट नहीं में एक बारे में बताने वाली हूँ वी वर्ब के बारे में। एक तो दो प्रकार की वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब होती है जो कि एक्शन दर्शाता है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है, और जिसकी एक्शन नहीं होती है, नो एक्शन है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और वी वर्ब वो होती है जैसे उसकी बेस्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, वी, हैज, ड्यू, हैव, टच, और इसकी पास्ट पास्ट सेकेंड वर्ब होती है हार्ड, वॉज, डिड, वेयर, और इसी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की हैड और बीइंग। ये वी वर्ब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए क्योंकि वी वर्ब प्रायः ग्रामर में आती है और ये बहुत कंफ्यूज भी करती है, इसलिए इसको इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आप इसे नेक्स्ट टेंस की सब टेंस की आते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इज, एम, आर और प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज लगती है प्रेजेंट कंटिन्यू की, ही, शी, इट और नेमिंग वर्ड में इज लगती है, और प्ले जो प्ले है उसमें आईएनजी लगी हुई, ये प्ले जो है वो
बेस्ट फॉर्म है वर्ब की, और आई एम प्लेइंग, आई आई के लिए एक स्वतंत्र हेल्पिंग वर्ब दिया गया है जो आम है, जो किसी की भी पास नहीं लगेगी, ओनली आई के ही साथ लगेगी आम, इसे आई एम प्लेइंग, ये भी बेस्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी लगी हुई है, ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगी हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इस तरह से हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनती है। यू वी दे आर, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जो कि बेस्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगी हुई है, इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनी हुई है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और आज मैं इतना ही वीडियो बना रही हूँ।